बागवान भाइयों नमस्कार। हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हॉर्टिकल्चर टॉक शो में मेहमान बागवान भाई, हमारे साथी ऑर्चरिस्ट मिस्टर प्रेम चौहान जी। आइए जानते हैं चौहान जी से उनका परिचय। चौहान जी आपका परिचय है, आपका स्वागत है हॉर्टिकल्चर टॉक शो में। मेरा मैं प्रेम चौहान फ्रॉम तलगांव तहसील रोड डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो मैं यहाँ पर जो है अभी एक साल से घर में आया हूँ। वैसे मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, बट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन हॉर्टिकल्चर इन एप्पल इसमें, तो इसलिए मैं इससे आपके डीप नॉलेज इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी जी चौहान जी, क्या आप इससे पहले भी बगीचे तो हैं, परिवार बगीचे देखता होगा पहले आप जब बाहर रहते थे? हाँ जी, बगीचे थे, मेरा छोटा भाई है सुदेश कुमार है जी, तो वही बगीचा देख रहा था अभी तक। वैसे बीच बीच में भी देखता था जी, मतलब वो था जो ट्रेडिशनल जो हमारी बागवानी चल रही है उस तरह से चल रहा है, अभी भी वही चल रहा ट्रेडिशनल है जी। नहीं, जो आजकल नई जो टेक्निक से चल रहा है उस तरह बागवानी नहीं हो रही मैंने जी बिल्कुल। तो अब आप आज हॉर्टिकल्चर टॉक शो के माध्यम से अपने बाकी साथी ऑर्चरिस्ट को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं साथी ऑर्चरिस्ट को चाहूंगा, क्योंकि बागवानी सभी कर रहे हैं मगर इसको यदि टेक्निकल तरीके से किया जाए, आपके साथ जुड़े, आपको यदि जो नॉलेज है जो होगी यदि आप शेयर करेंगे, सबको नॉलेज मिलेगी, तो मैं सोचता हूँ कि उसे काफी फायदा मिलेगा आम सभी बागवानों को। जी अच्छा चौहान जी, आपने वीडियोस देख ली है सारी कोर्स के अंदर जो वीडियोस थी? नहीं अभी मैंने सारी नहीं देखी है, अभी रहती है मेरे को देखने को। अच्छा अभी अभी कितनी वीडियोस देखी आप? मैंने पहले वो कम्युनिकेशन वाली देखी थी सारी, और जो दूसरा ये था उसमें ने दो तीन ही देखी अभी। अच्छा जी, अच्छा आपका कोई प्रश्न चौहान जी आज मुझसे कोई प्रश्न करना चाहते हो अभी हॉर्टिकल्चर टॉक शो में, कोई एक प्रश्न? हाँ जी, मैं कुछ आपसे आज टॉक, मेरे पास जो बगीचे में है ना कुछ दो तीन बीमारियां है जिसको मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि इसको कंट्रोल, एक साथ ही तीन बीमारियां लग गई है मेरे बगीचे में। जी मेरे बगीचे में क्या हो गया, मैं अभी उसकी स्प्रे करने तो माइट के लिए स्प्रे की दवाई लाई थी मैंने, मगर जब बगीचे में घूमा देखा कुछ स्कैप शिकायत थी, तो मैंने स्कैप के लिए तो दवाई डाल दी है। अब माइट की प्रॉब्लम है, और दूसरा जो पत्ते में काले काले दाग जल जैसे नहीं जाते, बाद में वो गिर जाते पीले हो जाते हैं जी। अब ये तीन बीमारी एक साथ है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब कैसे इनको कंट्रोल करूँ, दवाई सभी इकट्ठी मिला के करूँ कि अलग अलग करना पड़ेगा मेरे को? हाँ जी देखिए, आप माइट के लिए आप माइटीसाइड अलग से डालें, और जो स्कैब और जो दूसरा आप कह रहे हैं कि जले हुए से जो दाग है, गोल 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 है दाग, गोल दाग, हाँ काले काले गोल दाग है, अल्टरनेरिया होगा, तो अल्टरनेरिया और स्कैब के लिए आप फंजीसाइड की स्प्रे, वो दोनों के लिए एक ही होनी है। अच्छा, दोनों के लिए, दोनों अल्टरनेरिया के लिए और स्कैब के लिए दवाई यूज होगी? हाँ जी हाँ जी, वो दोनों दोनों फंगल डिजीजेज हैं, तो दोनों के लिए एक ही होनी है फंजीसाइड की स्प्रे, लेकिन माइटीसाइड को आप जो है अलग कर दें जो माइट के लिए होना है। अच्छा अच्छा जी, हाँ जी, इससे पहले आपने किया माइट के लिए कोई स्प्रे? अभी नहीं किया था इससे पहले। हाँ जी, एचएमओ किया आपने आजकल? नहीं, एचएमओ भी नहीं किया। एचएमओ भी नहीं किया, तो माइट कितनी दिख रही है एक पत्ते पे लगभग? थोड़ी थोड़ी दिख रही है, चार पांच पौधे जिसमें थोड़े पत्ते मुड़ मुड़ जैसे रहे। अच्छा, तो प्रेमराज जी आपने लाइव सेशन जितने अभी तक हुए हैं सारे आपने अटेंड किए हैं या अभी एक आध? नहीं, सारे किए मैंने अटेंड। अच्छा ठीक है, अगला हमारा इतवार को होना है। आपको ईयर कैलेंडर मिला पूरी साल का जो हमारा कैलेंडर है, कब कब कौन कौन से टॉपिक जो है लाइव सेशन में होने हैं?
नहीं, कैलेंडर तो नहीं मिला मेरे को, मगर आपके एक बार ही आप बता रहे थे कि इसको ये दूंगा, ये बता रहे थे फेसबुक में जब सुन रहा था मैं ना, जी तो ये आपने बताया कि संडे को ये होगी, कभी वो बात होगी, वो मैंने हाँ कैलेंडर जी, नहीं मिला। अच्छा कैलेंडर अभी नहीं मिला है, ठीक है जी, आपको कैलेंडर मिल जाएगा आज या कल सुबह 10-10:30 बजे तक आपको कैलेंडर मिल जाएगा, जिसमें पूरी साल का 29 मई 2022 तक का हमारा पूरा शेड्यूल उसके अंदर है, पूरी साल की जो प्लानिंग हमारी है कि कब कब जो है कौन कौन सी डेट को कौन कौन से टॉपिक जो है हम लाइव सेशन में लेने वाले हैं, तो वो उसके ऊपर होगा, आपको क्लियर कैलेंडर जो है मिल जाएगा जी कल 10:30 बजे तक ठीक है जी, जी। ठीक है चौहान साहब, आपसे बात ओके, करके धन्यवाद बहुत अच्छा लगा, जी, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जी। बागुन भाइयों, पिछले कल हॉर्टिकल्चर टॉक शो नहीं हो पाया, किन्हीं कारणों से मैं घर से बाहर था और रास्ते में मैंने कोशिश की थी एक बार कनेक्ट होने की, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया था, और आज हॉर्टिकल्चरल टॉक शो हुआ जिसमें मेहमान बागवान हमारे साथ थे प्रेम चौहान जी, जो कि रोहड़ू जिला शिमला के रहने वाले हैं। इसी तरह से प्रत्येक दिन हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में नए नए मेहमान मेरे साथ होंगे, जिनसे एप्पल ऑर्चर्ड्स और एप्पल फार्मिंग के बारे में बात होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल इसी समय 7:30 बजे किसी नए बागवान साथी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।